स्वागत है दोस्तों, तुसी देख रहे हो साडा टीवी यूएसए। असी लैके आए तुहाडे लई एक नवी अपडेट। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बरगाड़ी कांड नूं लैके कर रही हैं राजनीति। हुण तीसरी बार 17 अगस्त नूं कांग्रेस मंत्रियों ने विधायकों बठिंडा के हाजी रतन गुरुद्वारे आके जवाब देने लई कहा। ध्यान सिंह मांडा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आप सरबत भली भांत जानते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे इंसाफ वास्ते लगे बरगाड़ी मोर्चे नूं पंजाब सरकार ने अपनी 5 मैंबरी टीम राही विश्वास दे के खत्म करवाया सी। इस संबंध में 2 मंत्री 3 MLA सरकार दे ELT बन के गुरु पंथ कोल फरियाद लेके आए सन, परंतु सरकार किसी भी गल उत्ते पूरी नहीं उतरी, जिस करके विशाखात होने नाल पंथ नू बहुत वड्डा नुकसान होया है। दास ने सरबत खालसा वल्लों बख्शिश सेवा नू ध्यान में रखदिया पंथक सिद्धांतां अते पंच प्रधानी मर्यादा अनुसार उक्त 5 सरकारी दूतों कोलों इस दा स्पष्टीकरण लैण वास्ते 2 अगस्त नू अकाल तख्त साहिब उत्ते तलब किया सी, परंतु इन्हां वल्लों एक शरारतपूर्ण पत्र लिख के अकाल तख्त साहिब अते सिख पंथ दे अखी कट्टा पाउण दा गुनाह भी किया गया है। अज 11 अगस्त नू एक होर मौका दिता गया सी, पर इन्हां ने आना वाजिब नहीं समझिया। इस करके दास महसूस करता है कि कांग्रेस पार्टी ने कदे भी सिखा नाल वफा नहीं कमाया, हमेशा धोखे ही दिते हैं। पहला अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी किया, हुण अकाल तख्त साहिब की मर्यादा अते सत्कार नू भी खत्म करना चाहती है। इसलिए दास अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार वजों सेवा निभाउंदिआं कांग्रेस सरकार ते उस दे इन्हां दूतां दी इस कार्रवाई उत्ते 17 अगस्त नूं गुरद्वारा हाजी रतन बठिंडा विखे 94 पंथक नुमाइंदिआं दी मीटिंग सद के गुरमता सोध्या जाएगा अते 20 अगस्त नूं हुक्मनामा जारी किया जाएगा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। उन्होंने गल कही है कि तुहाडी मुख्यमंत्री दे नाल सिद्धी गलबात चल रही थी, असीं सिर्फ इंची सां, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहते हो? समा आउंदे हो ये सारे सवालों का जवाब संगतां दी कचहरी दे विच उन्हां नूं खुद देना पऊगा किहदे नाल गल होई है। मैं मोर्चा चला रहा सी, मैं किसे नाल भी गल कर सकदा सी, पर जो फैसला होया वो फैसला किन्ने कीता वो समा आउण ते तुहानू सारा पता लग जूगा। बिल्कुल, मैनू मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये विश्वास दवाया सी कि जिहड़ी साडी 5 मैंबरी टीम आ रही है असी सारे दा सारा मसला हल करना, तुसी साडे ते विश्वास करो, ते असी विश्वास कीता। समा आउण ते सारा कुछ है, सारा कुछ ही दोषी है, पर असी बड़े तरीके दे नाल असी वो जिहड़ी मर्यादा श्री अकाल तख्त साहिब दी उस दे मुताबक असी स्टैप बाई स्टैप
सारा कुछ करांगे क्योंकि गुरु साहब की हाजरी विच संगत दे नाल बहुत वड्डा विशाघात जिहड़ा वो होया ये धार्मिक मसला है। ये गुरु ग्रंथ साहब की होई बेअदबी का मसला है। ये शहीद होए सिंघां का मसला है। इस करके कोई भी बच नहीं सकता। हर एक नूं संगत की कचहरी दे विच जवाब देना पवेगा भावें सरकार होवे भावें मैं क्यों ना होवां। 17 अगस्त नूं जिहड़ी तुसीं मीटिंग कॉल कीती है साथी सिंह साहिबान नूं पता दिओगे बाबा दादू वाल ते भाई अमरीक सिंह अजनाले नूं? मेरा कहना यह है कि असीं समुचे खालसा पंथ दे जिहड़े 94 नुमाइंदा जो पंथ दर्दी ने असी कोई कच्ची गल नहीं करनी। सारिआं नूं भरोसे विच लै के सारिआं दी सलाह दे नाल कि हुण जदों श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते मर्यादा दे मुताबक दोषियां नूं बुलाया गया है वह नहीं आए तो हुण श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों की फैसला किया जावे। इस करके सारे बुलाया सारे जी सारे बिलकुल जाऊगा जी सदा हर एक जाऊगा किसी नु भी पासे नहीं रखे जो दोषी हुंदा है जे ओदी गल जज मन लवे तो फिर फैसले नहीं हुंदे वो दोषी ने। दूजा पॉइंट लिखा है कि तुहानू श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली कमेटी पटना साहब कमेटी हजूर साहब कमेटी या होर जथेबंदियों वालों कोई मानता नहीं मिली इसलिए इतने जो श्री अकाल तख्त साहब के मीटिंग आप हाजिर होने। हाँ मैनू किसी तो सर्टिफिकेट लैन की लोड़ नहीं क्योंकि सरबत खालसे की मर्यादा जिहड़ी है ये सर्वोच्च है। अगर इस तरह की गल सी तो बरगाड़ी भी जथेदार को ही गए थे सोच समझ के जाना चाहिए। मैं किसी पार्टी की गल नहीं करना है जी। मैं इतने सिर्फ जी कहना है कि 84 के दोषियों उन्होंने सजा दवाई सज्जन कुमार बरगाड़ी के दोषियों भी भाजपा ही सजा दवा सके। कोई गल नहीं समा वेखो समय की धार वेखो। बई अज तक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तो हर एक ने सियासत की अजे बहुत सारे लोग करनगे पर संगत जो फैसला करनगियां वो आखिरी फैसला है।